पहले मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। देखो बाइक को मैंने स्टार्ट किया, अब इसका जो रेस है आरपीएम है कम ज़्यादा होगा। देखो स्लो हो रहा, फास्ट हो रहा है, और थोड़ा सा एक्सीलेटर तो बंद हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास बजाज की पल्सर 220F मॉडल बाइक है, और इस बाइक में प्रॉब्लम है मिसिंग से लेके, तो ये बाइक मिसिंग कर रही है। जब हम स्लो आरपीएम पे चलाते हैं जब ये मिसिंग कर रही है, और जब फास्ट चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्लो पे ही ये मिसिंग कर रही है। तो मैं सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। चलो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बाइक स्टार्ट है, अभी इसका आरपीएम देखना कम ज़्यादा होगा स्लो पे। देखो ये देखो बंद हो गई। देखो इंजन के पास देखो आरपीएम कम ज़्यादा हो रहा है, रेस डाउन, लो हाई हो रही है, और ये बंद भी हो जाती है। ये देखो बंद हो गई। तो ऐसी समस्या है, देखो ये बंद हो जाती है, तो मिसिंग भी कर रही है। हल्के पे बाइक जो है, हल्का हम चलाते हैं धीरे धीरे, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, खींच लेती है अपनी तरफ, बंद हो जाती है। इसी बहुत सारी समस्या है इस बाइक में। तो इसका जो कार्बोरेटर है वो खोल के चेक कर लेते हैं पहले, कार्बोरेटर में कमी है या तो फिर और कुछ। तो पहले इसका कार्बोरेटर ही पे ही डाउट जाता है, तो कार्बोरेटर को खोलते हैं, पूरा बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसका जो कार्बोरेटर वो खोलते हैं। मैंने इसका जो कार्बोरेटर है कंप्लीट कार्बोरेटर को निकाल लिया बाहर, बाहर खोल के रख लिया। अब उसको खोलते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम कार्बोरेटर में है या नहीं। तो चलो इसे हम खोलते हैं, और जो है नीचे की वाटी खोलते हैं, और जो जेट लगे होते हैं दोनों जेट को खोलते हैं और बाहर निकालते हैं। बाकी इसकी जो कार्बोरेटर की जानकारी वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग वीडियो पर बने रहना। पहले इसका जो कार्बोरेटर है कार्बोरेटर को खोलते हैं। तो जो बड़ा वाला जेड है, बड़ा वाला जेड ये रहा, तो इसको भी चेक करेंगे, कोई होल बंद तो नहीं है। चलो बाद में इसे देखेंगे, पहले जो छोटा वाला जेड एक और लगा होता है, छोटा वाला यहाँ पे, इसे खोल लेते हैं। छोटा वाला जेड है, ये छोटा वाला जेड ही मेन है। अब इसे देखते हैं पहले, इसके अंदर कचरा वगैरह तो बहुत ज़्यादा दिख ही रहा है। ये देखो बहुत ज़्यादा दिख, चलो इसे थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ मैं। देखो इसके ऊपर ऊपर में बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई है ऊपर ऊपर, और जो इसके होल हैं, जो आर पार के होल होते हैं, वो चीज़ चेक करना मेन है वही, तो उसे चेक करते हैं। ये होल देखो दिख नहीं रहा, आर पार नहीं दिख रहा है। अभी ये लग रहा है कि ये जेड जाम है, ये जेड का जो होल आर पार रहना चाहिए वो नहीं है। चलो इसको क्लीन करने के लिए एक वायर लेना है कुछ इस तरीके की, ये, और इसमें से सिंगल निकालना है। इसी तरीके से जेड को क्लीन करना है, बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत बढ़िया से जेड क्लीन हो जाता है। अब यहाँ से वायर को डालना है, और ये देखो मेरे को लग ही रहा है कि किसके अंदर जो है कचरा है। देखो ये, अब इसको करते हैं क्लीन, इसी तरीके से क्लीन कर लेना है, वायर को पकड़ना और इस तरीके से घुमा घुमा के इसे क्लीन करते चले जाना है। अभी वापस से दूसरी वायर डालता हूँ, थोड़ी से बड़ी, थोड़ी से बड़ी डालते हैं इसमें, और ये देखते हैं जाती या नहीं। चलो अभी इसको लगाते हैं इसके अंदर। अभी ये देखो ये नहीं जा रही है, देखो 100% जो कमी है वो इसी जेड में है, जो मिसिंग की प्रॉब्लम कर रही है वो इसी से कर रही है, क्योंकि ये जेड जो है क्लीन ही नहीं है। ये देखो पहले तो वायर चली गई थी, जब मैंने उस वायर को बाहर वापस से निकाल लिया तो वो जो कचरा था हल्का रहा होगा कचरा, वो वापस से आ गया जेट के ऊपर होल पे, वो बंद हो गया। अभी इसको वापस से क्लीन करते हैं। चलो इसी तरीके से वायर डालते हैं, और चलो ये देखो जा ही नहीं रही है यार। तो अभी जो है इसकी वायर तो चली गई है, और ये कुछ गिरा, कुछ तो गिरा यार, जैसे ही वायर इसके अंदर से आई है यहाँ पे कुछ गिरा है। चाहे आप लोग वीडियो पीछे करके देख लो, इसमें जैसे ही वायर गई है वैसे ही कुछ चीज़ अंदर से वायर निकाल के लगी और बाहर की तरफ गिरा, पता नहीं क्या था, वो मिला भी नहीं है। बाकी ये 100% जो इस ये जाम था ही, ये वाला जेड छोटा वाला जेड जाम ही था।
तो इसी ये क्लीन हो गया, इसे पूरा क्लीन कर लेते हैं, इसी तरीके से क्लीन कर लेना। और अगर ये जेड जाम है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, एवरेज वगैरह भी बाइक नहीं देती और मिसिंग भी करती है। और बाकी जितने भी इसके अंदर होल हैं, ये वाले बाहर वाले, इनको भी चेक कर लेना है, सारे होल को क्लीन कर लेना है। अभी ये तो क्लीन हो गया है, आर पार होल जो है दिखने लगा है, देखो दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, तो पहले नहीं दिख रहा था, पहले ये जाम था और ये पूरा आर पार क्लीन हो चुका है। तो अब जो हमारा छोटा वाला जेड है कंप्लीट है, बड़ा वाला जेड को भी चेक कर लेते हैं, इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है, ये वाला रख देते हैं पेट्रोल में। और इसे कभी भी क्लीन करना कार्बोरेटर को तो पेट्रोल से ही करना। चलो ये क्लीन है, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्लीन है, ये पूरा क्लीन है। और बस इसे चेक कर लेना, साइड में जितने भी होल हैं इनको चेक कर लें, इसमें भी वायर वगैरह डाल के चेक कर लेना है। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, सारे में वायर डालना है जितने भी होल दिख रहे हैं। ये वाला जो हमारा बड़ा वाला जेड था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी छोटे वाले जेड में। इसकी जो वाटी है, वाटी के अंदर देखते हैं, देखो डस्ट है, ये देखो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डस्ट है, ये देखो देखो इससे भी हमारी बाइक जो है प्रॉब्लम करती है। चलो अब जो है पूरा जो कार्बोरेटर के वो कार्बोरेटर पूरा ही क्लीन कर लेते हैं, अब सारा कुछ क्लीन कर लेते हैं पेट्रोल से। हमारा कार्बोरेटर क्लीन हो चुका है, पूरा क्लीन कर दिए कार्बोरेटर को, और अब इसको फिटिंग करते हैं और फिर आप लोगों को जेड भी बताते हैं कौन सा क्या काम करता है जेड। तो पहले ये जो बड़ा वाला जेड है इसे ले लेना है और इसको देख लेना है कि इसका जो अंदर का जो सारे होल हैं वो क्लीन है या नहीं। तो सारे होल तो इसके मैंने क्लीन किए वायर से, तो बड़ा वाला यहाँ पे लगेगा। और ये जो बड़ा वाला जेड है, जब हम बाइक को स्टार्ट करके रेस देते हैं, जब हम रेस देते हैं, जब ये पेट्रोल लेता है, जब हम बाइक को रेस देते हैं, जैसे हम रेस देते हैं बाइक को, फुल रेस देंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल इस वाले जेड से जाता है अंदर। और जो छोटा वाला जेड है, इसे मैं पहले टाइट कर देता हूँ, और जो छोटा वाला जेड है इसे देख लेना और इसे भी क्लीन कर लेना। जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सेल्फ मार दिया और बस बाइक स्टार्ट है, उस समय इसमें से एयर और पेट्रोल दोनों एक साथ जाते हैं, तो इसमें से पेट्रोल कम जाता है। जब हम बाइक को रेस ज़्यादा करते हैं तो बड़े वाले जेड से ज़्यादा पेट्रोल जाता है। जेड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि छोटा वाला जेड क्या काम करता है और बड़ा वाला जेड क्या काम करता है, दोनों में फ़र्क है थोड़ा। देखो छोटा वाला बिल्कुल क्लीन है, देखो इसका जो है आर पार होल दिख रहा है जो होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो बाइक मिसिंग करती है, और जब रेस हम देंगे तो रेस भी प्रॉपर नहीं करेगी। और जो आरपीएम है बाइक का, रेस जो है वो स्लो और फास्ट होता है अगर ये वाला जेड जाम है तो। चलो इसे फिटिंग करते हैं, इसे लगाते हैं, इसे टाइट करते हैं और कार्बोरेटर को बाइक में फिटिंग करते हैं, फिर बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं फाइनली करके। कार्बोरेटर बाइक में फिटिंग कर दिया है, सारा कुछ लग गया है, वायर और जो एक्सेलेटर की वायर थी वो भी लगा दिया है। और इस साइड में चलते हैं तो पेट्रोल वगैरह जो था, पाइप जो पेट्रोल का था, पेट्रोल की लाइन भी चालू कर दिया है यहाँ से, ये पेट्रोल का लाइन चालू हो गई। और इस जगह पर हमारी चोक लगी होती है, ऑटो चोक, ये वायर है ऑटो चोक की, तो इसे लगाना बिल्कुल मत भूलना, इसे लगा ही देना, वरना सुबह बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। अब जो है बाइक को स्टार्ट करके और जो इसका स्लो फास्ट की प्रॉब्लम है वो देखते हैं। चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, पहले अभी ये इसकी जो कार्बोरेटर की सेटिंग है वो बाकी है, वो भी करना है। तो चलो कार्बोरेटर की सेटिंग भी कर लेते हैं, तो जो पूरी सेटिंग है कार्बोरेटर की वो कर लेते हैं पहले।
तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बाइक बंद नहीं हो रही है, और जो स्लो आरपीएम पे ये बंद हो जा रहे थे और इंजन जो स्लो फास्ट कर रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। देखो एक जैसी रेस है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, लो और हाई रेस नहीं हो रही है, प्रॉपर हो चुकी है। देखो सेल्फ मार रहा है, बाइक स्टार्ट हो जा रही है, और जो हल्का सा एक्सीलेटर देने पे बाइक बंद हो जाती थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाकी अभी इंजन रेस हाई लो नहीं हो रहा है, प्रॉपर सेटिंग कार्बोरेटर की हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है कम्प्लीट। अभी इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी मिसिंग से लेकर वो प्रॉब्लम तो हो गई है सॉल्व, सिर्फ इसका जो प्रॉब्लम थी कार्बोरेटर के जेड में प्रॉब्लम थी, तो कार्बोरेटर क्लीन किया और उसके बाद हमने इस कार्बोरेटर को पूरी अच्छी तरीके से सेटिंग कर दिया है, ट्यूनिंग कर दिया है। बाकी सारी जो इसमें समस्या थी वो हो गई सॉल्व, मिसिंग अब बाइक नहीं करेगी। तो चलो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।